हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड से जुड़े कुछ नए अपडेट्स। आलिया भट्ट ने अपने 10-11 साल के करियर में काफी कुछ हासिल कर लिया है। आज वो एक सक्सेस एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी हैं। इसके अलावा वो एक पत्नी, बहू और एक प्यारी सी बिटिया की मम्मा भी हैं। उनको देखकर लोग यही कहते हैं कि वो किसी भी एंगल से एक बेटी की माँ नहीं लगती हैं। वो इतनी फिट एंड फाइन है कि उन्हें देख के कहना बड़ा मुश्किल है कि वो एक बेटी की माँ है। आलिया की लेटेस्ट फोटो पे तो लोगों ने उन्हें संतूर मॉम तक कह दिया है। हालांकि जब करीना उनके सामने आई तो लोगों ने उनसे उनको ज्यादा सुंदर बता दिया। आलिया भट्ट बीते दिन एक इवेंट में शामिल हुई थी। करीना कपूर भी उनके साथ शामिल हुई। करीना कपूर के साथ उनकी कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो उनके शो व्हाट वुमन वांट में बतौर गेस्ट शामिल होने गई थी। यहाँ पैपराजी ने उनको स्पॉट किया, जहाँ उन्होंने कई सारे पोज भी दिए और देखकर लोग उन पे फिदा हो गए। लेकिन करीना कपूर उन पर भारी पड़ती दिखी। ब्लैक आउटफिट में 21 साल की आलिया भट्ट ने सारी लाइमलाइट चुरा ली। आलिया भट्ट ने 2 साल पहले राहा को जन्म दिया था। करियर के पीक पर होने के बावजूद उन्होंने ये रिस्क लिया और लोगों की धारणा को बदल दिया कि माँ बनने के बाद करियर खत्म हो जाता है। वो आज भी काम कर रही हैं और बढ़िया से प्रोजेक्ट से जुड़ी रह रही हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, आपको आलिया भट्ट और करीना कपूर में सबसे ज्यादा अच्छी कौन लगी? कॉमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें।